हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। अभी मैं कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, जो कि मेरा होम टाउन है। यहाँ से इस बार हम लोग चलेंगे थाईलैंड, थाईलैंड से फिर जाएंगे वियतनाम। तो अभी हमारा साथ जुड़े रहिए 10 दिनों के लिए। तो अभी एक नया जर्नी का शुरुआत करते हैं, तो लेट्स गो। इस बार मैं अकेला सोलो ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा साथ है अब्बास भाई, जो कि पूरा सफ़र में हम लोग का साथी रहेंगे, और ये है नूर आलम भाई। इस बार हम लोग का सफ़र बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम लोग 3 जन घूमेंगे, क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। अगर कुछ डेवलपमेंट करना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अभी हम बैंकॉक का सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी बैगेज में है, बैगेज क्लेम में है। अभी अगर आप बैगेज आएगा तो बैगेज लेके निकलेंगे, या फ़ोटो उठाते हुए आलम भाई और ये अब्बास भाई, हाय, दोनों फ़ोटो उठाते हुए। आलम भाई लगता है कुछ बोलेंगे। तो अभी बस लगेज का इंतज़ार, जैसे ही लगेज आ जाता है हम लोग बाहर की तरफ चलेंगे। अभी जस्ट लगेज मिल गया है, 15-20 मिनट इंतजार के बाद ये अपना लगेज सब लेते हुए। अभी हम चलेंगे, पहले यहाँ का मोबाइल सिम लेंगे, उसका बाद चलेंगे सिटी की तरफ, अपना जहाँ होटल बुकिंग है, जो कि सुकुम्भित में है, सुकुम्भित 11। यहाँ से हाफ एन आवर का दूरी में है। तो अभी पहले हम लोग यहाँ सिम लेते हैं, सिम का बहुत सारा ऑप्शन है, ये सामने ही है, देख सकते हैं ट्रू वगैरह। इधर से यहाँ दो सर्विस प्रोवाइडर हमें नज़र आ रहे हैं, एक ट्रू का है और एक AIS का है। देखते हैं जहाँ पे हमको बेस्ट ऑफर मिलेगा वही वाला हम लोग। अभी हम यहाँ पे ट्रू का मोबाइल का सिम ले रहे हैं, जो कि ट्रू लास्ट टाइम भी हम जब थाईलैंड आए थे इसको यूज़ किए थे, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ऑप्शन यहाँ बहुत सारे हैं, अभी हम लोग ट्रू को ही चॉइस किए हैं। ये देखिए ट्रू, अभी यहाँ आलम भाई और अब्बास भाई लेते हुए। यहाँ स्कीम वगैरह है, 8 days का है आपका, 15 days, 299 baht, 15 days, बहुत सारा है स्कीम है, जो आपको अच्छा लगे आपका अपना हिसाब से वही वाला लेंगे। आप तो रहेंगे 4 days का ले रहे हैं। ये देखिए आगे और भी, ये ट्रू का ही है, बहुत सारा। आप जैसे अराइवल से आप निकलेंगे आपको बहुत सारा सर्विस प्रोवाइडर का स्टॉल वगैरह मिलेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप पहले एयरपोर्ट से ही मोबाइल का सिम ले लें, ये आपको लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी इसके लिए मैं भी अपना सिम ले लेता हूँ, फिर उसका बाद फिर आपसे। अभी हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं, जस्ट ये गेट का बाहर जाएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर। अभी रात का बज रहा है, 2:30 बज चुका है। तो अभी हमारा कलकत्ता से बैंकॉक आने का सफ़र तो जितना हो सके आप लोग का साथ शेयर किया हूँ। तो कल सुबह आपसे मिलते हैं, बैंकॉक का कोई एक शॉपिंग का जगह में हम लोग चलेंगे। तो तब तक के लिए अभी बाय बाय फ्रेंड्स। अभी हम MBK सेंटर के भीतर पहुंच चुके हैं, जो कि MBK सेंटर का ग्राउंड फ्लोर में है। यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, कि ये MBK जो मॉल है, ये इसमें आपको सुपीरियर ब्रांड से लेके आपका छोटा छोटा शॉप वगैरह सब कुछ मिलेगा, ब्रांडेड अनब्रांडेड सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ बार्गेनिंग वगैरह भी बहुत होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ क्या क्या ऑप्शन है हम लोग थोड़ा घूम के देखते हैं। अभी हम MBK मॉल के एकदम नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर में, चलिए देखते रहिए। ये हमारा नूर आलम भाई और अब्बास भाई, दोनों भी सामने ही है, दोनों शॉपिंग में एकदम लगे हुए हैं। इधर आप देखिए बैग वगैरह का, यहाँ पे सेल टाइप का लगा हुआ है, जो कि आपको रेट लिखा हुआ होगा। जैसे ये कोई भी आप टी शर्ट लीजिएगा तो 300। एक्चुअली ये सब टूरिस्ट वगैरह
यहाँ का लोकलाइज है, सब यहीं से खरीदते हैं। ये थोड़ा सस्ता वाला जगह है, लेकिन यही MBK मॉल में आपको ब्रांड वगैरह भी मिलेगा जो कि ऊपर साइड में है। हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे, अभी जस्ट इंटर किए हैं। कुछ यहाँ स्विच का ऑप्शन है जो कि कॉफ़ी वगैरह है। हेलो हेलो, हाउ मच? 1700 बार्ट। जॉर्डन का कॉफ़ी है, यहाँ कॉफ़ी भी बिकता है, आपका ओरिजिनल वगैरह भी है। यहाँ MBK मॉल में आपका कॉफ़ी आइटम भी बहुत जगह मिली है, तो और बार्गेनिंग भी बहुत सारा होता है। जैसा अभी हम लोग ने जॉर्डन का जो शू देखा वो 1700 बताया, 1700 बार, एक बार इक्वल टू अपना इंडियन में अढ़ाई गुना मल्टीप्लाई करते जाइए। ये सामने आली हलाल रेस्टोरेंट, ये जो ग्राउंड फ्लोर है मेनली यहाँ पे आपको बैग्स वगैरह और खाने पीने का चीज़ें ज़्यादा मिलेंगे। बैग्स का बहुत सारा ऑप्शन है, ये देख सकते हैं। बैग अगर बैग वगैरह चाहिए तो, लेकिन बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा, या बार्गेनिंग तो बहुत ही होता है, ज़्यादा होता है। MBK मॉल है, ये बहुत ही बड़ा मॉल है। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा बहुत देखे हैं, तो अभी फ्लोर बाय फ्लोर हम लोग चलेंगे, फ्लोर बाय फ्लोर देखेंगे, तो ऐसे में पूरा कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे दुकान वगैरह सब सिमिलर ही है, एक फ्लोर में जिस टाइप का दुकान होता है ना, तो उसका आसपास जो दुकान वगैरह है ऑलमोस्ट सिमिलर दुकान वगैरह ही है। सामने अब्बास भाई जो कि शॉपिंग में पूरा एकदम घुसे हुए हैं, शॉपिंग का पूरा एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग बहुत कुछ खरीद भी लिए हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, अभी हम ग्राउंड फ्लोर में थे, तो ये देखिए ऊपर का नज़ारा। फर्स्ट फ्लोर में जो है सब शॉप्स वगैरह है, और फर्स्ट फ्लोर में शॉप्स वगैरह है, गोल्ड शॉप वगैरह ये सब है। और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ सब छोटा छोटा स्टॉल वगैरह लगा हुआ था, और अभी हम फर्स्ट फ्लोर से भी ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ते नीचे की तरफ आएंगे, तो देखते रहिए। ये हमारा सामने अब्बास भाई, गुरालम भाई सब ऊपर की तरफ जाते हुए, ये मतलब थर्ड फ्लोर बोलता है ये लोग, टेक्निकली ये सेकेंड फ्लोर है हम लोग का वहाँ के हिसाब से। थर्ड फ्लोर में यहाँ पे भी ऐसा छोटा छोटा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, जो कि थर्ड फ्लोर में जो है ये भी वही कॉपी वगैरह, कॉपी माल कुछ यहाँ मिलेंगे, कॉपी टी शर्ट, हाँ आपका बैग पैक वगैरह ये सब मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको बार्गेनिंग हर जगह पे यहाँ मस्ट है। MBK आपको लगेगा कि बड़ा पॉस मॉल है, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग हर जगह में होता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको एक वॉकिंग टूर देते हैं, आप लोग देख लीजिए क्या क्या मिलता है।
यहाँ पे जो नीचे भी था और ऊपर भी थर्ड फ्लोर में लगा हुआ है, जो कि छोटा छोटा स्टॉल वगैरह है या कॉपी ब्रांड्स वगैरह का है, लेकिन क्वालिटी भी सो है, उतना बढ़िया क्वालिटी आपको कमी मिलेगा। तो क्वालिटी का अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी थोड़ा दुकान वगैरह में सब जैसे स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा क्वालिटी भी सो टाइप का है। तो देखिए हम MBK मॉल का फोर्थ फ्लोर में है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए है, जहाँ पे आप मोबाइल न्यू सेकेंड हैंड से लेके कितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत सारा छोटा बड़ा स्टॉल वगैरह यहाँ है, तो देखिए से ना आपका सब मोबाइल ही सब मिलेंगे, मोबाइल नए पुराने हर तरीके का ऑप्शन यहाँ है, जो आप लेना चाहिए मोबाइल लैपटॉप वगैरह यहाँ सब है। ज़्यादातर यहाँ पे रिसेल मतलब सेकेंड हैंड का ही ज़्यादा है। तो यहाँ फिफ्थ फ्लोर में आपका नया भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा आपका सेकेंड हैंड का ऑप्शन यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आप घूम घूम कर देख सकते हैं, और बहुत ही तरीके का मोबाइल है। हम लोग भी मोबाइल देखे हैं यहाँ, आईफोन का वगैरह सैमसंग का सब कुछ देखे हैं, तो नया ही लेंगे। तो जब लेंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे, तो अभी देखे अगर डील होता है तो लेंगे, नहीं तो फिर एप्पल स्टोर का अपना ही है देखे। थर्ड फ्लोर में है,
थर्ड फ्लोर में भी लगभग सिमिलर ही सब दुकान वगैरह है, लेकिन यहाँ एक साइड में छोटा छोटा स्टॉल वगैरह लगा हुआ, एक साइड का इंडिविजुअल बड़ा बड़ा दुकान है। तो यहाँ आपको ब्रांडेड वगैरह भी सब मिलेंगे और उसका साथ आपका सस्ता वाला भी है, देख के आपको लेना पड़ेगा। लेकिन थर्ड फ्लोर भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेंगे। मॉल के थर्ड फ्लोर में ही कुछ ज्वेलरी शॉप वगैरह भी बना हुआ है, यहाँ पे आप गोल्ड डायमंड वगैरह का ज्वेलरी ले सकते हैं। वो भी हमारा यहाँ से शुरू है, हम रनिंग में देखते हुए जाएंगे। देखिए तो दुबई गोल्ड शॉप का तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन वगैरह है हाई ज्वेलरी। एमबीके सेंटर के ठीक बाहर ही है, जहाँ पे फूड स्ट्रीट वगैरह है, यहाँ पे हलाल फूड मिल रहा था, इसलिए हम लोग हलाल फूड यहाँ खाएंगे। आप लोगों को क्या क्या खाना यहाँ मिलता है वो दिखाते हैं, उसका बाद अब्बास भाई क्या ऑर्डर किया वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आप देखिए ये सभी हलाल फूड है, यहाँ पे हलाल में ही ये लोग पैक करते हैं। अभी हलाल फूड ये हमारे अब्बास भाई ने यही ऑर्डर किया है राउंड का, अभी ये हम खाने वाले हैं। तो इसका टेस्ट कैसा होता है वो भी आपको बताएंगे, पहले खा ले थोड़ा। एमबीके के आउटसाइड में भी बहुत सारा छोटा छोटा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, उसका भी हम लोग जाते हैं, वॉकिंग टूर वगैरह करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, रनिंग में जाएंगे। हमारा एमबीके मॉल का सफ़र आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।